मार्केट में जाएं और बासमती राइस खरीदना हो तो बड़ी टेंशन हो जाती, समझ नहीं आता कि कौन सा लिया जाए, कैसे लिया जाए, कैसे सेलेक्ट किया जाए, क्योंकि अलग अलग तरह की वैरायटी, अलग अलग प्राइसेस, ये नहीं समझ आता कि कौन सा किस चीज़ के लिए ख़रीदना चाहिए, कौन सा इतना महंगा क्यों है, सस्ता क्यों है, ये जो कन्फ्यूजन है ये कैसे सॉल्व होगा। मैं करता हूँ। अब जब आप खुला चावल लेते हैं तो उसमें कोई गारंटी नहीं है कि इसके अंदर कुछ और मिला नहीं हुआ, कोई जो बासमती की खासियत है वो कहीं कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं हो गई। कई बार आपने देखा होगा कि पैकेट पे लिखा होगा लॉन्ग ग्रेन, अगर बासमती नहीं लिखा है तो चावल बासमती नहीं है। खुले चावल में कुछ भी लोग कह के बेच सकते हैं, तो इसलिए पैकेट में जब बड़ी कंपनी होती है, ब्रांड होता है, तो बिना सोचे समझे ऐसा कुछ नहीं लिख सकते, क्योंकि लॉ जो है बड़ा पक्का होता है। आप लिखित में जो चीज़ देखते हैं ना उस पर विश्वास वैसे भी होता है। अब क्योंकि मार्केट में 40 रुपए से 100 रुपए तक के बासमती राइस अवेलेबल हैं, सो कॉल्ड बासमती, तो इसलिए दावत ने भी डिसाइड किया कि सब प्राइस रेंज में अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से राइस अवेलेबल करेंगे। दावत जो बनाता है सारे बासमती ही बनाता है, हाँ उसमें जो बासमती की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें थोड़ा थोड़ा फर्क हो सकता है, लेकिन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स बासमती की ही होंगी। अगर लंबा वाला दाना है तो 120 से 180 रुपए की रेंज में मिलेगा। बासमती खाना है 40 से 100 रुपए की रेंज में भी मिलेगा दावत से। ये है रोजाना गिनी 70, ये भी प्योर बासमती है, स्पेशलिस्ट रेंज से है, लेकिन दाना छोटा है। बासमती की सारी क्वालिटीज इसके अंदर है, लेंथ के सिवाय। ऑटोमेटिक सॉर्टेक्स मशीन से चावल को सॉर्ट किया जाता है साइज के हिसाब से और फिर पैक होता है। छोटे साइज वाला गिनी, टिनी, मिनी या फिर मोगरा, मिनी मोगरा के नाम से बेचा जाता है दावत ब्रांड में।